वेलकम बैक टू अपोलोमोपैथी। अपोलोमोपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है और इसमें होने वाली बीमारियां क्या हैं, इसके साइन सिम्टम क्या हैं और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फ्रेंड, जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ये वॉलनट साइज की, अखरोट के साइज की एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जो कि पेशाब के थैले और पेनिस का जो पिछला पार्ट होता है उसके बीच में होता है। आम भाषा में प्रोस्टेट को गडोद भी बोला जाता है। तो फ्रेंड, जो पेशाब के थैले से जो पेशाब की नली आती है, वो अखरोट वाली जो ग्लैंड, अखरोट की जैसी जो ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी के बीच में से होके पेनिस में आती है। यानी कि जो पेशाब की नली होती है उसके चारों तरफ वो ग्लैंड होता है, उसी के बीच प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से वो नली आती है। तो फ्रेंड, लेटर स्टेज में जब उम्र जो है 50 साल के ऊपर होने लगती है, तो उस ग्लैंड में सूजन आती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नली दबने लगती है और पेशाब में प्रॉब्लम आने लगती है। ये होती है फ्रेंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या है। तो फ्रेंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन जो होता है, जो मेल में जो स्पर्म निकलता है, सेक्स के दौरान जो स्पर्म निकलता है, ये स्पर्म को नरिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसमें एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और उसको नरिश करता है। इसको जो उसका जो स्पर्म की में जो सीमेन निकलता है, उसमें जो स्पर्म होता है, उसमें उसको भोजन चाहिए होता है और उसको प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम होता है। तो फिर और जो भी सीमेन निकलता है सेक्स के दौरान, जो भी सीमेन निकलता है, उसमें 70% जो पार्ट है वो प्रोस्टेट का ही होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का होता है। ये रहा फंक्शन। अब फ्रेंड, बात करते हैं प्रोस्टेट में जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेटोमेगैली और BPH, इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड, जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं इसको, ये दो तरह होता है। जैसे एक्यूट, जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन अगर प्रोस्टेट में आ रहा है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं फ्रेंड्स, पहली बात तो बुखार बहुत तेज आएगा। कहीं कभी इन्फेक्शन होता है फ्रेंड्स, उसमें फीवर तो आता ही है, तो बुखार आएगा और पेशाब बार बार होगी, पेशाब में जलन दर्द होगा और इसके साथ साथ बैकएक भी होता है, कमर में हल्का दर्द होता है। ये एक्यूट प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में होता है। क्रोनिक में क्या होता है फ्रेंड, जब क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो पेशाब तो बार बार आती है, ये प्रोस्टेट का लक्षण है। अगर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो पेशाब बार बार आती आएगी, फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी। इसके साथ जो सीमेन निकलता है, स्पर्म जो निकलता है, उसमें जो ब्लड आता है और इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल कंडीशन में जो पेनिस इरेक्ट होता है उसमें दर्द होता है और ब्लड भी आता है सीमेन, ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड BPH की, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ये फ्रेंड लेटर स्टेज में जब एबव 50 ईयर जब एज चलता है, उस समय ये कंडीशन आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, सूज जाता है, उस समय ये उसको BPH बोलते हैं। जब शुरुआती कंडीशन है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब इसमें जो सिम्टम होता है उसी के बेस पे फ्रेंड जो है आगे की क्रिया होती है, आगे का जो हम चेकअप कराएंगे और जो मेडिसिन देंगे, पहले लक्षण के अनुसार ही होता है। तो पहला जब सपोज अगर उम्र ये 50 साल हो गई है, तो उसमें ये लक्षण आएंगे, सबको नहीं आता, कुछ लोगों को आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सिम्टम देखने को मिलता है, यूरिन बार बार होती है, फ्रिक्वेंटली यूरिन जाने की इच्छा होती है और रात में ज़्यादा होता है यूरिनेशन, होता दिन में रात में भी है, बार बार पेशाब होता है बट रात में नाइट में यूरिनेशन ज़्यादा होती है। इसके साथ हाइवनेस बना होता है, पेशाब के थैली के चाहते एक हाइवनेस फील होगी और इसके साथ कभी कभी सिस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी फ्रेंड यूरिनेशन बार बार होता है, किसी को भी यूरिनेशन अगर बार बार हो रहा है,
उसमें सिस्टाइटिस की संभावना बन जाती है। और इसके साथ फ्रेंड जो यूरिन का फ्लो होगा, स्ट्रीम होगी, वो कम होगा, स्लो होता है। वो एक आम भाषा में जो बोलते हैं धार, पेशाब में धार नहीं होती है, वो आगे ही पैर के पास ही पेशाब होने लगता है और स्ट्रीम नहीं बनती है। इसमें लक्षण जो मिलेगा वो यही दो तीन लक्षण मिलते हैं, पेशाब बार बार होगा, एक हैवनेस सी फील होगी, स्ट्रीम नहीं होगा। अगर ये लक्षण किसी में देखने को मिल रहा है, हम सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए। हो सकता है उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ बीपीएच की कंडीशन में है, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। और फ्रेंड होने को तो किसी भी एज में होता है, बट ये 50 ईयर के बाद ज़्यादा होता है। ये रहा फ्रेंड प्रोस्टेट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट क्या है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो 10 में एक केस ऐसे होते हैं जिनको कि प्रोस्टेटोमेगैली हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। आइए बात करते हैं मेडिसिन की। फ्रेंड्स जो बेस्ट मेडिसिन है मैं उसी भी बात करूँगा, इसको अगर आप चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट, बहुत 3 से 4-5 महीने में सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेडिसिन मैं चलाता हूँ कोनियम 30 की 2 को सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, बराइटाकार 30 की 2 को सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, और हेरम पिक्रिकम 3x की 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को, और एग्नस कस्टस 30 की 2 को सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, और 2 मदर टिंचर जो पानी में पीना है, 1 कप पानी में मिला के पीना है, सबल सेरुलेटा और चीमा फिलाय, सबल सेरुलेटा क्यू 10 ड्रॉप और चीमा फिला क्यू 10 ड्रॉप, 1 कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम 3 बार पीना होता है। बस फ्रेंड यही मेडिसिन मैं चलाता हूँ, फिर से आप मेडिसिन नोट कर लें, कोनियम 30, ब्राइटाकाप 30, हेरम पेक्रिकम 3x, एग्नस कस्टस, सबल सेरुलेटा और चिमाफिला क्यू, सबल सेरुलेटा क्यू, इसी मेडिसिन को चलाना फ्रेंड्स, नो डाउट फ्रेंड्स आप चलाएंगे श्योर रिजल्ट मिलेगा, 3 से 4 महीने में प्रोस्टेट जो है नॉर्मल साइज में आ जाएगी। और फ्रेंड्स ये घबराने की बात नहीं है, किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बस आप अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है इस मेडिसिन को चलाइए और नो डाउट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।